एक नई खबर आई है अभी, आप बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए, चलिए वहां एक दो लोग, इंदिरा जी एक मिनट, एक मिनट, चलिए चलिए देखिए, अरे देखिए एक मिनट भाई साहब, एक भुवन जी देखिए, हमें हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपने किसी और को विचलित कर दिया है, यह जब वो लोग विचलित है आप क्यों विचलित हो रहे हैं, आपका काम हो रहा है, आप तो उनको यही एहसास दिलाने आए थे ना, उनको एहसास होना शुरू हो गया है, तो अभी बस शुरुआत है, आगे ऐसे एहसास इनको और भी होंगे, ऐसे झटके और भी लगेंगे, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो हमने सिर्फ दो तीन दिन कैंपेन किया है, अभी तो जिस स्वराज की हम बात करते हैं, इनको रास्ता दिखाने की बात करते हैं, अभी तो इन्होंने पहला स्टेप चलाया है, वहां ऊपर जो पोस्टर था वो हट गया है, हमें पोस्टरों की तो चलिए जरूरत भी नहीं है, हम लोग काफी है, चार उम्मीदवार हैं हमारे, सुजाता गुप्ता, पंकज गुप्ता, अमनजोत कौर, अशोक शर्मा, ये चार नाम है, ये काफी है और हम लोग हैं काफी है, ये पोस्टर ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पोस्टर हट गया है उसकी हमें खुशी है ना, तो बस हमारा हमारा काम हो रहा है, हम इनको ट्रैक पर ला रहे हैं और इसलिए हमें ऊर्जा और बढ़नी चाहिए, हमारी ऊर्जा बढ़नी चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें गुस्से में नहीं आना चाहिए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और इनसे बहुत ज्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहस क्या करना है, इनसे क्या करना बहस, इनसे ये तो मन बना के आए हैं, मन बना के आए हैं कि इनको क्या करने देना है क्या नहीं करने देना है, इनको पता है कि हम सही काम कर रहे हैं, हम लीगली सही काम कर रहे हैं, वरना हिम्मत होती तो रोक लेते ये मुझे, अभी माइक छीन लेते मेरे हाथों से, डिटेन कर देते मुझे, ये तो नहीं है ना, इनको पता है कि ये लोग सही काम कर रहे हैं, इनको पता है कि ये पिछले तीन दिनों से सही काम कर रहे हैं और सभी पुलिस वालों को भी पता है, दिक्कत यही होता है कि किसी एक को ऐसा पावर मिल जाता है जो खुद साठगांठ कर बैठता है किसी के साथ, वहां से परेशानी होती है, वरना इनके दफ्तर में कई और पुलिस वाले हैं जिन्होंने हमें खुद बताया कि आपकी गलती नहीं है, पुलिस वालों ने बताया हमें, तो हमें इसलिए इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और सिस्टम से लड़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, तो दोस्तों हमारे चार जो उम्मीदवार हैं, मैं अब फिर से वो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत नहीं महसूस करता हूं, हम सब अब बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए हैं कि हम क्या काम करने आए हैं, हम सब भी वाकिफ हो गए हैं, हमारे दाएं बाएं वाले भी वाकिफ होने लगे हैं और जो पावर में बैठे हुए लोग हैं वो भी वाकिफ होने लगे हैं, इस पे अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो चार कैंडिडेट्स हैं वो अपनी बात रखें 5-5 मिनट में, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, आज का कुछ अनोखा एक्सपीरियंस है, बात हो गई है अपनी, बात हो गई है, तो दोस्तों देखिए आज मैं आपको बताता हूं आज हुआ क्या, आज दोपहर में जब हमें प्लान करना था कि शाम को हम अनाउंस करेंगे रिजल्ट्स, अनाउंस करेंगे, सब कुछ प्लान था बिल्कुल तरीके से, और फिर हमें पता चला, कई हमारे लोगों से पता चला, कई कैंडिडेट से भी पता चला, कई जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनसे भी पता चला कि वो अब तक वोट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो लाइन्स है, एक तो जो अपने तरफ से कॉल करना है वो लाइन्स ओवरफ्लो हो रही है, एक तो है कि 4638, एक वार्ड की बात मैं कर रहा हूं, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, 4638 लोग हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया में रजिस्टर किया, इस प्रक्रिया में रजिस्टर किया इतने लोगों ने, और हमने शायद समय बहुत कम दिया कि इतने लोग अपना वोट बिल्कुल 24 घंटे में कर पाए, ये समय कम था, ये हमें एहसास हुआ, आभास हुआ, ये एहसास करते हुए हमने इसको एक्सटेंड किया है, आपके साथ परेशानी जो होगी वो भी मैं जानता हूं, क्योंकि नॉमिनेशन के लिए सिर्फ आपके पास एक ही दिन बचेगा, 25 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बहुत ज्यादा उसके लिए पेपर वर्क नहीं होता है वो जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में तैयारी करके रखें, और एक और चीज जो पहली बार होने वाला है वो जनरली क्या होता है कि जो उम्मीदवार होता है हमारा तो एक लोक उम्मीदवार होगा और उस लोक उम्मीदवार की चार कद्दावर लोगों की टीम भी होगी, चार कद्दावर लोगों की टीम होगी जो उसके लिए कैंपेन भी कर रही होगी,
तो जनरली जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो होता क्या है कि मेरा कवरिंग कैंडिडेट मेरा कोई भाई होता है, यही होता है ना, मेरा भतीजा होता है, मेरे चाचा होते हैं, मेरा दोस्त होता है। यहां पे वो नहीं होगा। यहां पे पंकज गुप्ता कैंडिडेट अगर होंगे तो पंकज गुप्ता के रिश्तेदार उनके कवरिंग कैंडिडेट नहीं होंगे, अशोक शर्मा होंगे तो उनके रिश्तेदार नहीं होंगे कवरिंग कैंडिडेट। यहां पे जो लोक उम्मीदवार होगा उसका कवरिंग कैंडिडेट वो होगा जो रनर अप होगा, जो रनर अप होगा। ये इस तरह का स्वराज हम लाने की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्यों ये घबरा रहे हैं। इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे प्रोग्राम में इनके आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स भी बैठे हुए थे, बैठे। उसका नतीजा ये था कि आज पूरे वजीरपुर में सुबह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स वहां पे कैंपेनिंग अपनी कर रहे थे। बताइए, जब हम कैंपेन कर रहे थे कल तो अलग अलग पार्टी के जो वर्कर्स हैं, कई पार्टियों में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल से चाहते हैं कि देश का समाज का भला हो, सभी पार्टियों में है। लेकिन समस्या ये है कि उनकी पार्टियों को जकड़ रखा है उनके उन सुप्रीमो ने, मठाधीशों ने जकड़ रखा है और वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय पार्टी के सदस्य होने के। आप बताइए, एक और इंटरेस्टिंग बात, कल नागपाल जी भी चक्कर लगा कर गए थे और पूछ रहे थे हमसे क्या हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा कर रहे हैं। वाह, ये जो 4638 लोग हैं इसमें, ये थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा ना, कहीं अगर कोने में कोई हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुन रहे हो तो वो सुन ले कि आपके पार्टी के वॉलंटियर्स भी हैं जो इस प्रोसेस में रजिस्टर हो चुके हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी अगर सुन रहे हो, उनके मित्र भी सुन रहे हो तो वो भी जान जाए कि आपकी पार्टी के मेंबर्स भी हैं जो इस प्रक्रिया में रजिस्टर हुए हैं। तो हमारी दुश्मनी नहीं है आप लोगों से, और शायद आप भी हो जाएंगे जो आज उम्मीदवार हैं, अच्छे भले लोग होंगे, उम्मीदवार बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि पैसा दिया होगा, मैं कहां कह रहा हूं पैसा देकर ही टिकट लिया होगा, जरूरी नहीं है ना। जरूरी भी नहीं है कि बिल्कुल चापलूसी ही करके टिकट लिया हो, नहीं लिया होगा, बहुत संभव है। इसीलिए ये सब आरोप नहीं लगाना हमें, पार्टियां तो बन गई है टिकट की दुकान, लेकिन यहां अच्छे कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कल को वो भी हमारे इस प्रक्रिया में रजिस्टर कर जाए, जब हम अगली बार करें वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। उनका भी पूरा वेलकम रहेगा, पूरा स्वागत रहेगा, जब तक कि वो ईमानदार है, जब तक कि वो क्रिमिनल नहीं है, जब तक कि वो करप्ट नहीं है, जब तक कि उनका कैरेक्टर ठीक है, तब तक उन सबका बहुत स्वागत है इस पूरी प्रक्रिया में। दोस्तों, एक और खास बात इस प्रक्रिया के बारे में कि अब तक जितने भी लोग इस प्रक्रिया से जुड़े, और इस प्रक्रिया से जुड़ने वाले सिर्फ वोटरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस प्रक्रिया से जो उम्मीदवार जुड़े हैं, जो 4 उम्मीदवार हैं, आप पूछ लीजिए इन उम्मीदवारों से, हमने एक बार भी नहीं कहा कि आपको स्वराज अभियान का मेंबर बनना पड़ेगा। कहा है हमने? किसी को नहीं कहा कि आपको स्वराज अभियान का मेंबर बनना पड़ेगा। और ये जीत भी जाए तो भी हम नहीं कहेंगे कि स्वराज अभियान का आपको मेंबर बनना पड़ेगा। आप बनना चाहते हैं बहुत बनिए, जरूर बनिए, हमें बहुत खुशी होगी आप जैसे लोग हमारे सदस्य बने, संगठन के सदस्य बने। लेकिन हमारा ये उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना, हमारे नेताओं के हाथों को मजबूत करना। एक ये भाषा होती है बड़ी अक्सर, मैं शेयर करना चाहता हूं ये बात, जिस दिन पहली बार अखबार में छपा एक महीने पहले कि स्वराज अभियान एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट करेगा इन चुनावों में, एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट करेगा जिसमें करेगा क्या कि प्रयोग चलाएगा एक नए तरह का, एक नए तरह का प्रयोग चलेगा।